मार्केट में जहाँ भी जाते हैं ना आज के टाइम में, किसी का कैरेटिन ट्रीटमेंट है, किसी का स्मूदनिंग है, किसी ने स्ट्रेटनिंग करा ली है, सिर्फ यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखते हैं ना तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है और हमारा भी मन करता है कि हम भी वैसा करवाएं, क्योंकि कभी कोई अपने मुंह से तो बताएगा नहीं कि इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा अमेजिंग चल रही है। हर इंसान चाहता है कि उसके बाल बहुत खूबसूरत हो, लंबे हो, घने हो, काले रहें, बहुत लंबे टाइम तक जो है हेल्दी रहें। लेकिन ट्रेंड ऐसा आ गया ना कि देख देख के सत्यानाश कर लिया अपने बालों के, कहीं से कलर करा रहे हैं, कहीं से कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से आई साइट भी वीक हो रहा है। लेकिन उसका जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे ये सारे ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऑब्वियसली टेम्परेरी काम करेंगे, लेकिन जो कैरेटिन ट्रीटमेंट आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, नरिश करता है, डेफिनेटली ये रेमेडी उससे बेटर काम करेगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना है। एंड जिन्होंने मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर उपासना वोहरा, ये मेरा पॉडकास्ट चैनल है, ये नहीं देखा है, वो चैनल आप जाके देख सकते हैं। दुनिया का एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पे लाइव पेशेंट के पॉडकास्ट को शूट किया जाता है, शेयर किया जाता है। तो आज की रेमेडी की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बालों से, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि बाल बहुत लंबे और घने हो। अब मुझे मत कहना कि मैम आपके क्यों नहीं है, मेरे बाल बहुत हेल्दी हैं, सिल्की हैं, ठीक है, पर मुझे ज़्यादा लंबे पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा बालों को इतना रखती हूँ। सिल्की हेयर है तो इसलिए इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इतना नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये इतना ही रहेंगे, लेकिन आपके जितने बाल हैं आप बचा सकते हो। सबसे पहले सात्विक जो डाइट होती है वो हमारे बालों पे कैसे काम करती है, ठीक है। तो आपको अपनी बॉडी को 7 दिन डिटॉक्स पे रखना है, 23 दिन महीने के जो आपका दिल है खाने का उसे खाना है। और 7 दिन में आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को नया जन्म देना है। अब भाई स्कूटर हो गया, गाड़ी होगी, साइकिल बेचारे की भी हम सर्विस कराते हैं, पर जहाँ बात आती है बॉडी की वहाँ हम पीछे हट जाते हैं, बोलते कोई ना यार, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, ऐसे करते करते सालों निकल जाते हैं पर वो टाइम कभी नहीं आता। आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं सोचती हूँ कल से फॉलो कर लूँगी, परसों से कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है कंसिस्टेंसी से। तो आपको भी फॉलो करना है, और मैं भी पिछले कुछ दिन से कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करी हैं, एंड कमिंग डेज में मैं भी सात्विक डाइट को। सबसे पहले जिन भी लोगों के बाल हैं, जैसे मानिए कि बहुत सारे लोग होते हैं उनके ये जो नीचे का हिस्सा होता है बहुत रफ होता है, मतलब अलग से ऐसे होते हैं खुरदरा खुरदरा सा हो रखे हैं बाल, स्प्लिट एंड बहुत सारे, तो आप उसे बचा सकते हो बहुत इजीली। बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स कैसे करना है, 7 दिन के लिए जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसमें आपको ड्रिंक लेनी है किसी भी वेजिटेबल का जूस, ठीक है, उसमें आप खीरे का ले लीजिए, गाजर का, चुकंदर का, पालक का, या सिर्फ धनिये का, जो भी आपको अच्छा लगता है। दोपहर को रोटी लेनी है, सब्जी लेनी है, सब्जी हल्की सी बॉइल्ड फॉर्म में लेनी है। जो रोटी है उसमें आप चुकंदर डाल के गूंद लो, मेथी डाल के गूंद लो, जो आपका दिल है सब्जी, मतलब कचुम्बड़ बना दो यार सिंपल, और उसे आपको खाना है। और रात को हल्का दलिया, सूप, खिचड़ी, ये सब चीज़ें लेनी है। 7 डेज में आपकी बॉडी सुपर एक्टिव हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी, क्योंकि 23 दिन महीने के आप हैवी खाना खा रहे हो, तो 7 दिन जब बॉडी को रेस्ट दोगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली सुपर एक्टिव होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अस्थि, हड्डियां, बाल, उसका मल, तो इनडायरेक्टली वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो रेमेडी इसके साथ फॉलो करनी है वो है कर्ड। आपको क्या करना है, 1 कटोरी दही लेना है, उसमें आपको डालना है रीठा पाउडर, उसका अच्छे से आप पेस्ट बना के रख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, अपने बालों को लेना है इस तरह से, दही का जो आपने लेप बनाया है पूरा इस तरह से करके आप लगा लीजिए, और उसके बाद दोनों फिंगर्स को ऐसे कैची की तरह बना के ऐसे 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 से, और ये इस तरह से ये आपको लगाना है, ठीक है। फिर इस तरह से पीछे आप पिन अप करते रहिए, और यहाँ यहाँ से पूरे बालों पे आप लगा लीजिए। इस रेमेडी को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार फॉलो करिए बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। रीठा जो है, रीठा बहुत सारे शैम्पू में अवेलेबल होता है, लेकिन रीठा आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर देता है बहुत अच्छा। तो नेचुरल वे से आप कैरेटिन ट्रीटमेंट घर कर सकते हो, तो उसके लिए 1000 रुपए स्पेंड नहीं करनी, मात्र 10-15 रुपए के दही से कर सकते हो। दूसरी चीज, हिबिस्कस, गुड़हल,
उसको तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई उससे बेस्ट जो है आपके बालों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। गुड़हल के पत्ते ले लो, गुड़हल के फूल ले लो, पाउडर फॉर्म में ले लो, जो मिल जाए वो ले लो, उसे दूर मत करो। उसका पेस्ट बनाओ, पाउडर है तो पानी मिलाया, लेप लगा लिया। पत्ते मिले मिक्सी में ग्राइंड किया, लेप लगा लिया। फूल मिले मिक्सी में ग्राइंड किया, लेप लगा लिया। बस हफ्ते में एक बार लेप लगा लो, एक महीने तक आपको अपने जो बाल मर गए हैं, मतलब मैं बात करूं कुछ लोग होते हैं उनके बाल ना लिटरली ऐसे बिखरे, ऐसे उड़े उड़े, मतलब अगर वो बालों में हाथ फेर के ऐसे कर देना तो गुच्छे के गुच्छे बाल हाथ में आए। मतलब अगर मैं लिटरली एक एग्जामिनेशन करूँ ऐसे पकड़ के, हम ऐसे ऐसे तेज तेज भी खींच लेना ऐसे करे तो भगवान कसम मेरे एटलीस्ट बाल तो नहीं टूट रहे ये इस तरह से। लेकिन आप लोग अपने घर पे करके देखना, आपको ना लिटरली अगर आप ऐसे 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 तीन चार बार करोगे तब भी बाल निकलेंगे। और ये मैं बहुत जोर लगा रही हूँ आपको दिखाने को, कहने का मतलब कि जो डाइट है वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बालों को बिल्कुल आप बिल्कुल यार फ्रीली रखो, आपके अपने बाल हैं, आप उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करो। लेकिन स्ट्रेंथ नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं। कि ये प्रोडक्ट आ गया ये ऐसे रोक देगा ये करेगा, मतलब मार्केट में इतने महंगे महंगे शैम्पू आ रहे हैं, मतलब 5,000 के शैम्पू आने लगे, मुझे नहीं पता वो कैसे काम करते हैं। नेचुरली चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। तो ये रेमेडी को आपको फॉलो करना है, कर्ड हो गया और हिबिस्कस हो गया, लगाने के बाद एक घंटा लगा के रखो, फिर नॉर्मल पानी से पहले वॉश कर लो, फिर उसमें शैम्पू लगा के आप वॉश कर लो। आपको विद इन 10 डेज 15 डेज बहुत अच्छा चेंज दिखने लगेगा, बाल सॉफ्ट हो रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ना डाउट होता है कि कर्ड लगाने के बाद स्मेल रहती है, वहाँ पे ऑप्शन है कि आप घर का कर्ड मत लो, मार्केट का ले लो। पाश्चराइज मिल्क होता है, उसमें फैट इतना ज़्यादा नहीं होता, काम करेगा वो भी उतना, लेकिन एटलीस्ट वो एक चिपचिपापन स्मेल रहती है, वो स्मेल अपने आप हट जाएगी और रीठा पाउडर वैसे ही उसे कंपनसेट कर देगा। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को फॉलो करना है और फीडबैक शेयर करना है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि नई नई रेमेडीज लेके आऊँ जिससे आपको बेनिफिट मिले आपकी हेल्थ को। पता है हमारी जो प्रकृति है ना वो बहुत खूबसूरत है, उसने बहुत सारे खूबसूरत गुणों से हमें नवाजा। अब गंजे होने की नौबत आ गई है लेडीज के, किसी के यहाँ पे एलोपेशिया है, बाल्डनेस है, टेनिया इन्फेक्शन है, ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, कलर करवा लिया, फलाना ट्रीटमेंट ये वो करते करते ना मतलब सत्यानाश कर दिया, पर बचा सकते हो। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते ना हमने अपना ऑयल बनाया। अब क्या है कि ऑयल तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, कुछ पे बहुत अच्छा काम करती है, कुछ पे नहीं करती है, हर किसी की बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है। हमने क्या करा, ऐसे प्लांट्स में कुछ ऐसे रस औषधि की भावना डाली जो आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। हमारा ऑयल नो डाउट वहाँ पे उसकी रेट आपके हिसाब से शायद कॉस्टली हो सकता है, पर वो इतना अच्छा काम करता है। हमने देखा जिनके यहाँ पे गंजापन आने लगे यहाँ पे, वो रेगुलर बेसिस पे करे तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहा है, वो इस लेवल पे काम करता है। बाकी हमने ट्रीटमेंट बनाया सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा रिजल्ट है, फ्रिजी हेयर, स्प्लिट एंड सब पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो आप अगर उस तरह से कोई ट्रीटमेंट की गाइडेंस चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कभी नहीं कहा कि आप जबरदस्ती मेरे पास आइए, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन बताऊं। जबरदस्ती ना हमने कभी किसी को कहा है ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना हम लाइफ में कभी कहेंगे। आपको अच्छा लगता है आप करिए, आपको नहीं अच्छा लगता आप मत करिए, लेकिन जब फॉलो करना है तो पूरा दिल से करना है। उम्मीद करती हूँ कि जो आज मैंने रेमेडी बताई है आपको अच्छी लगे, बेनिफिशियल हो, और इन फ्यूचर आप मुझे उस चीज़ को लेके बहुत सारी ब्लेसिंग दें, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग्स ही हैं जो आज मैं हर रोज़ एक नई नई वीडियो लेके आ रही हूँ और आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ द ओनली वे जहाँ हम दुनिया के हर कोने तक पहुँच सकते हो। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट रेमेडी, बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ। देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, लेकिन 99% हम लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका प्रूफ हमारा चैनल है ही। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह से देते रहें। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ऐसे बालों से ऐसे स्मूद, सिल्की और शाइनी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।